नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विजन टीवी। मैं हूं आपके साथ नेहा। भाजपा किसान मोर्चा भरी हुंकार। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा 26 जुलाई को सभी विधानसभा क्षेत्रों में किसान सरकार के खिलाफ उग्र धरना देने वाले हैं। भाजपा का कहना है, कांग्रेस सरकार के चुनावी वादे सभी विफल होती नजर आ रही है। 2.5 वर्ष बीत जाने पर भी जनता को किया हुआ वादा पूर्ण नहीं हुआ। जिला गरियाबंद में आज भाजपा किसान मोर्चा की हुई बैठक में मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती पिंकी शाह सहित प्रदेश एवं जिला के सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री पिंकी शाह ने हमारे संवाददाता को बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जनता और किसानों को धोखा देकर सत्ता हासिल किया है। उनके द्वारा किए गए वादे 2.5 साल पूर्ण हो जाने तक पूरा नहीं किया गया है। पानी, बिजली, कर्ज माफी, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, युवाओं को रोजगार देने जैसे उनके 35 वादे पूर्ण नहीं किया, सिर्फ धोखा देने के काम किया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा सिर्फ मनरेगा के कार्य से ही जनता को अब तक लाभ मिल रहा है। बोनस देंगे, आज तक उसकी न कोई बात करने को तैयार है, न कुछ बोलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा था कि 2.5 हजार रुपए हम प्रत्येक किसानों को मूल्य देंगे, उनका समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन उसको भी उन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दिया, हमको 4 किस्तों में पैसा दिया। और आज भी आप किसी भी किसान को देख लीजिए, उनके खाते में आखिरी की जो 4थी किस्त है उसमें पैसा कट के आया है। तो इस तरह से सरकार अपने वादा खिलाफी किया है। जो बात उन्होंने घोषणा की है, आज किसी भी घोषणा को उन्होंने पूरा नहीं किया है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रहेगी और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में हम किसानों के इस जो वर्तमान में जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं, न किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो पा रहा है, न उनको बिजली की व्यवस्था हो पा रही है। ये भी एक बड़ा मुद्दा था कि बिजली बिल हाफ और किसानों का कर्जा माफ। आज बिजली बिल हाफ नहीं बल्कि बिजली ही साफ हो गया है, तो बिल की तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं और खाद बीज की जो मारामारी चल रही है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, सोसाइटियों में आज तक खाद पहुंच नहीं पाया है। जिस समय किसानों को आवश्यकता है, ऐसे समय में किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इन सब के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 26 तारीख को विधानसभा स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाना है और इसी धरना प्रदर्शन की तैयारी के लिए किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण यहाँ जिले की बैठक लेने आए। बैठक में आए प्रदेश प्रभारी अजय साहू ने बताया कि 26 जुलाई को प्रत्येक विधानसभा में किसानों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन कर सरकार को उनके द्वारा जनता को किया गया वादा याद दिलाया जाएगा। संगठनात्मक विषय भी यहां पर रखी गई, कार्यकर्ताओं से प्रथम बैठक थी इसलिए सबसे परिचय भी हुआ, लेकिन इस बैठक में साथ साथ में हमारे जो आगामी कार्यक्रम है 26 तारीख को विधानसभा स्तर पे पूरे प्रदेश भर में एक साथ आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा। किसानों की जो खाद बीज की कमी है, किसान विरोधी ये नीति है राज्य सरकार की, इन सब के खिलाफ हम हल्ला बोल पूरा प्रदेश भर में विधानसभा स्तर पे करने जा रहे हैं। तो उसी की तैयारी के संदर्भ में आज यहाँ पर बैठक हुई और सभी मोर्चा और हमारे अन्य जो पार्टी के अन्य मोर्चा संगठन है सबको इसमें आमंत्रित करने का यहाँ पर चर्चा किया गया है। थैंक यू। लेकिन ढीठ सरकार को कोई असर नहीं हो रहा है। खाद की समस्या आज हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन करके उभर करके छत्तीसगढ़ में सामने आई है, जबकि पहले छत्तीसगढ़ में कभी ऐसा नहीं था। खाद की समस्या, अमानक बीज की समस्या, किसानों के लिए जिस ढंग से और लगातार बिजली की जो अभाव हो रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के और छत्तीसगढ़ में जो गोबरहीन लोगों को पैसा देने के उन्होंने वादा किया, जिन्होंने गोबर बेचा उनके पैसे रुके हुए हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के और अलग अलग क्षेत्रों के स्थानीय मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा 26 तारीख को सभी विधानसभा मुख्यालय में जबरदस्त धरना देने जा रही है और हम वहाँ पर हजारों की संख्या में उस दिन किसान यहाँ पर आएंगे। किसानों में एक जबरदस्त आक्रोश है, उस आक्रोश का वहाँ प्रकटीकरण होगा और इस भूपेश सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे उस दिन। गरियाबंद से जयविलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।